आप सुने कितना सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर है। धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच के करीब आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, वो भी इन सोलर मार्ग की आवाज से बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐतिहासिक पर कैद करने के लिए मुखियाना स्वागत करते हैं जो विकास के रथ को लेकर आगे चल पड़े हैं। धीरे धीरे उनका पदार्पण जय घोष जिंदाबाद का जय घोष का नारा के साथ आज मौसम भी बिल्कुल अनुकूल जैसे लगता है बिल्कुल करीब आते हुए आप विकास की गाथाएं गाई जाएंगी। झारखंड बिल्कुल बढ़ता झारखंड का एक सुंदर संदेश उज्जवल भविष्य। आज कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में उपस्थित सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री कमिश्नर संसार शर्मा, डीआईजी संसार शर्मा यहाँ उपस्थित आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। शैक्षणिक वर्ष में भी हम लोग उससे आगे 22-23 हजार बच्चियों को उसमें आच्छादित करेंगे। अभी तक लगभग 6 हजार बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हो है और परिसंपत्तियों का वितरण माननीय महोदय के कर कमलों द्वारा होना है। प्रधानी पट्टा प्राप्त करते हुए नव नियुक्त प्रधानों की सूची एक ये झारखंड संस्कृति का एक सुंदर संदेश यह पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़ा ही सुंदर है। समाज के हर वर्ग का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सुंदर उदाहरण आप देख रहे हैं झारखंड राज्य में। यह झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमल और इन्हें राशि देते हुए श्रीमती सुमना राय प्रभारी प्राचार्य पोखरिया मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय आप हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत होगा। झारखंड तभी तो बढ़ेगा। झारखंड स्वयं अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हुए कार्यक्रम है कि हम सम्मानित करते हैं शिक्षकों को भी ममता मुर्मू। धीरे धीरे फूलो झानो आशीर्वाद जैसा कि आप नाम से ही देख प्रेमलता टुड्डू बीमा भुगतान राशि नहीं था आज सब समाज के बीच है हमारे सूबे के मुखिया। कितना सुंदर दृश्य है ये, यह ऐतिहासिक क्षण और बबलू घोष एप्स किट प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री पास जुम्मन शेख एक साथ को जनता जनार्दन बिल्कुल बेताब है। आज शिक्षा को लेकर हम लोग रोज नए योजनाओं के साथ जमीन पे उतार रहे हैं। आज मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर काम करेगा। आज लड़का लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार दे रही है। इंजीनियर डॉक्टर वकील बनने के लिए उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा रही है और आप सब लोगों को इंजीनियर डॉक्टर के साथ उससे भी ऊंचा पढ़ाई करना है। विदेश में अगर आपका पढ़ाई पढ़ना है तो उसका भी खर्चा हम दे रहे हैं। आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा आज देश में पहली बार कोई ऐसा सरकार है जहां आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा को विदेश में पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा देता है। अभी तक 50 बच्चा मेरा विदेश में जाकर के पढ़ा है। अभी इस साल 23-25 बच्चा को भेजे जिसमें 4 अल्पसंख्यक बच्चा है
पिछला बार 4 अल्पसंख्यक बच्चा को भेजा था। आज कहीं ना कहीं ये वही आदमी सोचेगा जो आदमी आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। लेकिन आज हमने ये योजना बनाया कि आज हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़ेगा जिस ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने झारखंड राज्य पर कब्जा किया, भारत देश पर कब्जा किया, सिद्धू कानू का हत्या किया। जिस सिद्धू कानू की हत्या हुई आज उन्हीं स्कूलों में जाकर के हमारा आदिवासी दलित का बच्चा उनके साथ खड़ा होकर पढ़ रहा। जोहार जय हो।